नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। इस वक्त मौजूद है डाक बंगला चौराहे पर। पूरा बोले तो बिहार की राजधानी पटना के श्रीराम चौक यानी डाक बंगला चौराहे पर आप देख सकते हैं, हम बीच में जहां खड़े हैं उसके चारों तरफ जिस तरीके से दिए सजे हुए हैं, कारण बताते हैं। आज का दिन है 2024 22 जनवरी यानी कि वो ऐतिहासिक दिन जिसका बेसब्री से 500 सालों से लगभग इंतजार था भारत के लोगों को, क्योंकि ये वही दिन है जब श्री रामचंद्र जी का आगमन अयोध्या में फिर से हो रहा है। और इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए ही श्रीराम चौक पर आप देख सकते हैं पूरे तरह से, कहा तो जा रहा है कि 51,000 दिए रखे गए हैं, लेकिन आपको चारों तरफ घुमाकर दिखा देते हैं कि दियों की संख्या लाखों में हमें तो देखने से लग ही रही है। आपको बता देते हैं कि 22 जनवरी का आज दिन है। पहले आप दिए देख लीजिए, फिर हम आपको सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिखाएंगे। 22 जनवरी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 500 सालों की तपस्या के बाद आज वो दिन आया है जब लोग गर्व से खुद को श्री रामचंद्र के नाम से पहचान दिला सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कहने की तो 51,000 दिए की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन लाखों के दिए यहाँ पर जलाने के लिए रखे गए हैं। आपको बता देते हैं कि आज का जो दिन है वो 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन है। श्री राम चौक पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तैयारियाँ हमने आपको दिखा दी है अपने विजुअल के माध्यम से, साथ में आपको दिए दिखा रहे हैं किस तरीके से दिए रखे जा रहे हैं। आपको एक और बात बता देते हैं कि दिए रखने के लिए कोई स्पेशल लोग या वॉलंटियर नहीं है, दिए रखने के लिए हर कोई रख सकता है, हर कोई अपने श्रद्धा से मन से दिए रखकर जलाकर झंडे लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि कोई रोक टोक मनाई नहीं है। हम बीच में खड़े हैं, आप देखिए डाक बंगला चौराहा, आपने पहले भी देखा होगा लेकिन जिस तरीके से सज चुका है, जगह जगह पर पुलिस तैनात किए गए हैं, लोग तैनात किए गए हैं जो बैरिकेड बनकर खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें दिख रहे हैं। आपको हम दिए दिखाने ही आए हैं कि किस तरीके से दिए से सजावट पूरे हिंदुस्तान में की गई है। उसी हिंदुस्तान में एक छोटी सी झलक पटना के श्रीराम चौक यानी डाक बंगला चौराहे पर आपको हम दिखा रहे हैं। बीच बीच में लाइट्स वगैरह के साथ दिए जब जलेंगे तब कितने सुंदर लगेंगे आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं पुलिस यहां पर बैरिकेड बनकर खड़ी है और साथ में हम आपको धीरे धीरे करके हर वो सारी चीज़ दिखा रहे हैं जो तैयारियाँ की गई हैं पटना में। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले हमने आपको लोगों से बात कराई, डाक बंगला चौराहे की तैयारियां दिखाई, उसके बाद हमने आपको दिए की भी खबर दिखाई कि किस तरीके से दिए सजाकर रखे गए हैं, और धीरे धीरे करके हम आपको और खबरें दिखाएंगे जो इसी खबर से संबंधित होंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।